नमस्कार, आप देख रहे हैं बड़ी बहस। मैं हूं आपके साथ आलोक। लोकसभा चुनाव के चार चरण की वोटिंग के बाद अब पांचवें चरण की सीटों पर राजनीतिक दलों ने अपनी अपनी ताकत झोंकी है। पांचवें चरण में 7 राज्यों की 51 सीटों पर 6 मई को वोट डाले जाएंगे। इस चरण में उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश और पश्चिम बंगाल, बिहार और जम्मू कश्मीर में वोटिंग होगी। इस फेस में यूपीए अध्यक्ष सोनिया गांधी, कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी और केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह और स्मृति ईरानी सहित कई दिग्गजों को अग्नि परीक्षा से गुजरना होगा। पांचवा चरण बीजेपी और कांग्रेस दोनों के लिए बेहद अहम है। इस चरण में कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी और यूपीए अध्यक्ष सोनिया गांधी के लोकसभा क्षेत्रों अमेठी और रायबरेली में मतदान होगा। अमेठी में राहुल की लड़ाई स्मृति ईरानी से है, यहां पर कांटे की टक्कर नजर आ रही। प्रियंका गांधी रायबरेली और अमेठी में लगातार चुनावी जनसभाएं कर रही हैं, लोगों से मुलाकात कर रही हैं। ऐसे में देखने वाली बात होगी कि प्रियंका का फैक्टर इन दोनों सीटों पर कितना चलता है। इसके अलावा अब आ जाइए रामनगरी अयोध्या। पिछली बार बीजेपी ने बाजी मारी थी, राम के सहारे बीजेपी एक बार फिर अवध के किले को जीतना चाहती है। लेकिन रामनगरी का एक इतिहास ऐसा भी है कि हर 5 साल बाद यहां का वोटर उम्मीदवार को बदल देता है। ऐसे में अयोध्या में बीजेपी की लड़ाई प्रतिष्ठा की सबब बनी हुई है। तो पांचवें चरण का दंगल काउंटडाउन शुरू हो चुका है, लेकिन यह चरण कई मायनों में काफी अहम माना जा रहा है। कुछ सवाल हैं जो आज आए हुए मेहमानों से जानेंगे इस पांचवें चरण को लेकर के। तो राजनाथ बनेंगे लखनऊ के नाथ, क्या बड़ा सवाल। पूनम और कृष्णम क्या दे पाएंगे राजनाथ को टक्कर। स्मृति ईरानी की मेहनत जो लगातार जुटी हुई है, सभाएं कर रही हैं, लाएंगी क्या रंग। राहुल बचा पाएंगे अमेठी का किला क्या। राम की नगरी में लहराएगा भगवा झंडा। ये ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब आज आए हुए मेहमानों से जानने और समझने की कोशिश करेंगे। तो बिना कुछ देर किए हुए आए हुए मेहमानों से अपने दर्शकों का परिचय करवा देते हैं जल्दी से। बीजेपी प्रवक्ता चंद्रमोहन चौबे जी हमारे साथ हैं। चंद्रमोहन जी नमस्कार, स्वागत है आपका। कांग्रेस प्रवक्ता सिद्धिश्री जी भी हमारे साथ हैं। सिद्धि जी नमस्कार, स्वागत है आपका। वरिष्ठ पत्रकार मनोज जी हमारे साथ हैं। मनोज जी नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है। राजनीतिक विश्लेषक प्रोफेसर रविकांत जी हमारे साथ हैं। रविकांत जी नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है। मैं सबसे पहला सवाल अगर बात करूंगा, मैं बिना राजनीति के, क्योंकि पांचवें चरण के मतदान को लेकर के किन किन मायनों में काफी अहम है। मनोज जी अगर बात करें किन किन मायनों में, जैसा कि मैंने कहा अहम है, और कितनी अहमियत रखता है ये पांचवा चरण। दरअसल पांचवें चरण में देखा जाए तो कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल जी, फिर सोनिया जी, अयोध्या भारतीय जनता पार्टी के लिए हमेशा नाक का सवाल रहा है पिछले 91 और 90 के बाद से, और देश के गृहमंत्री राजनाथ सिंह लखनऊ से लड़ रहे हैं। ये जो चार सीटें हैं हम हैं इस पर कहीं न कहीं कांटे की टक्कर अगर देखने को मिल रही है, तो चुनाव हारने के बाद लगातार 5 साल स्मृति ईरानी जिस तरीके से राहुल जी के क्षेत्र में लगी रही, रेगुलर चुनाव तो अभी आया है, बाकी प्रत्याशी, बाकी चाहे पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, पिछले 3-4 महीने तो चुनाव को लेकर चल रहे हैं, लेकिन स्मृति जी हारने के पहले दिन से वो अगली तैयारी 5 साल बाद के हिसाब से ही उस क्षेत्र में लगी रही, लोगों से कनेक्ट होती रही, लोगों की बात सुनती रही, और मंत्री रहते जो वहां के लिए कर सकती थी ज्यादातर उन्होंने करने की कोशिश की। जी चंद्रमोहन जी, सवाल यह है कि जब स्मृति ईरानी की बात करें तो जैसा कि सर ने भी कहा, मनोज जी ने, कि जब से आ रही उसके बाद से लगातार वो अपने लगी थी, जनसभाएं कर रही थी और बीच बीच में आती भी रहती थी, अपनी उपस्थिति या यूं कहें कि सीधे तौर पर दर्ज कराती रहती थी। अब इसका चुनाव में कितना फायदा मिलता नजर आ रहा है? जी बिल्कुल, देखिए लोकतंत्र में जो है लोग ही उसके सब कुछ होते हैं, जनता ही जनार्दन होती है, और जनता ये भी देखती है कि हमारा जो प्रतिनिधि है वो हमारे साथ दुख दर्द में दिखता रहे,
वो भी ऐसी अपेक्षा करती है जी। लेकिन हमारे जो अमेठी के युवराज हैं, आपको बता दें कि वो जीतने के बाद भी लगातार जीत रहे, उसके बावजूद भी वो जानते हैं, अगर अमेठी की जनता का हालचाल लेने गए हैं तो मात्र गए हैं 17 बार, और जबकि हारने के बावजूद भी वहां की जनता के दुख सुख में साथ रहने के लिए वो 42 बार गई हैं अब तक, 42 बार। और आपको बता दें वहां जनता, अमेठी की जनता इनको क्यों चुनेगी, तो आपको बता दें वहां पे उन्होंने पहली बार क्या किया जो अभी 70 सालों में वहां नहीं हुआ, पहली बार वहां पर जो है कृषि विज्ञान विश्वविद्यालय की स्थापना हुई, पहली बार वहां पर जो है ऊंचाहार से सुल्तानपुर के लिए ट्रेन चला, पहली बार वहां पर जो है केंद्रीय विद्यालय की स्थापना हुई, पहली बार वहां पर गन फैक्ट्री की स्थापना हुई, और पहली बार वहां पवई पुल पर जो है गोमती नदी के तट पर एक बांध बना। इसके अलावा तो ये तो मान लीजिए, ये भी बताइए ना कि अभी आग लग गई थी जब, तो एक वहां पर आग बुझाने के लिए हैंडपंप से पानी भरा, फोटो सेशन हुआ वहां पर, किसी तरीके से फोटो, ये भी बताइए। अगर अगर किसी अगर कोई नेता है, अगर जनता के बीच बातें हैं, अगर मान लीजिए आप ही कहीं जा रहे हैं, अगर बगल से आप जा रहे हो उस सड़क से, अगर कोई हादसा होता है तो क्या आप मानवता के नाते वहां रुकोगे नहीं, क्या आप मुक दर्शक बने ताकते रहोगे? यही तो मेरा सवाल था कि जिस तरीके से हैंडपंप से पानी भरा, किसानों की हमदर्दी भी दिखाई, आपका सिस्टम क्या कर रहा था? कैसा प्रशासनिक सिस्टम है जो फायर ब्रिगेड की गाड़ी नहीं पहुंचती है, प्रशासन के अधिकारी नहीं पहुंचते हैं? हर जगह तो ये व्यवस्था हो नहीं पाएगी ना, ये जी ऐसा सिस्टम क्यों नहीं बनाया, ये बताइए। ये सवाल खड़ा कर रहा है जनता, सवाल पूछ रही है। बिल्कुल बिल्कुल आप सही कह रहे हैं जी, बिल्कुल। उन्होंने तुरंत वहां के डीएम मनमोहन मिश्रा जी को, राम मनोहर मिश्रा जी को उन्होंने तुरंत इसके लिए लताड़ लगाई, इसके लिए जो उनसे संभव बना उस समय वो दबाव जो उनको दिखा। ये तो खैर सिद्धि जी, ये तो चुनावी माहौल था, सारी चीजें सामने आ गई, वरना और भी, अभी तो गर्मी है, देखिए कितनी आग लग रही है, ऐसी घटनाएं क्या सब जगह होंगी? वहाँ क्या सब जगह की डीएम को बुलाया जाएगा? सब जगह स्मृति ईरानी आएंगी क्या? जिला प्रशासन को पता रहता है, तो कैसे वो कह रहे हैं कि उनको बुलाया, तब जिला प्रशासन को पता रहता है कि मंत्री जी कहाँ कहाँ जा रही है, तो पीछे उनका पूरा शासन प्रशासन रहता है, तो इनकी बात से तो मैं सहमत नहीं हूँ। रही बात ये, आप सवाल बताइए, मैं क्या जवाब दूं आपको जी? ये बताइए, इस समय जो है कोई प्रशासन किसी के साथ नहीं रहता, निर्वाचन आयोग इस समय भूमिका निभाता है, चुनाव के समय में वो निर्वाचन आयोग के अंडर, चाहे डीएम हो, चाहे एसएसपी हो, चाहे एसएसपी हो, चाहे वो वहां का जो है ब्लॉक का अधिकारी हो, जो भी हो, सब उसके हिसाब से चलते हैं। और रही बात, देखिए अभी आपने जलने वाली बात बताई, तो पिछली बार देखिए वहां पे 500 लोगों का घर जल गया था, 500 लोगों का घर पिछली बार जो आग में जो है जल गया था, वहां पर भी देखिए राहुल बाबा वहां नहीं गए, स्मृति जी गई, 500 लोग जिनका घर जला था उनके लिए नए आवास प्रधानमंत्री योजना का, लेकिन लेकिन लोगों की सहानुभूति बटोर नहीं पाए। मैं प्रोफेसर रवि साहब के पास आ रहा हूं। रवि साहब, जो चुनावी माहौल आप पूरा देख रहे हैं, सवाल यह कि पांचवा चरण बीजेपी और कांग्रेस दोनों के लिए कहीं ना कहीं बेहद अहम है, और किसी के लिए, कांग्रेस के लिए बात करें रायबरेली अमेठी उसके गढ़ को चुनौती, और बात करें बीजेपी के लिए तो लखनऊ जो कि बीजेपी का गढ़, बीजेपी का किला कहा जाता है, दोनों के लिए कहीं ना कहीं बड़ी चुनौती है प्रोफेसर साहब। हाँ निश्चित रूप से, लेकिन आप उस पूरे सिनेरियो को देखिए, करीब करीब हम आधे चुनाव में पहुँच चुके हैं, और जो राजनीतिक जो आका हैं, जो विश्लेषक हैं अपनी अपनी पार्टियों के, उनको समझ में भी आ गया होगा कि कौन पार्टी कैसा परफॉर्मेंस कर रही है, भले ही वो ऑन कैमरा ये बात ना कहें। तो प्रचार में भी हम देख रहे हैं कि वो तलखियां उस तरह की आ रही हैं, खास करके धर्म और जाति को लेकर के तलखियां बढ़ रही हैं, इससे ये लगता है कि मामला बहुत टक्कर का है। भारतीय जनता पार्टी को इलेक्शन के पहले जो उम्मीद थी कि लोग मोदी जी के नाम पर, मोदी जी की ब्रांडिंग के बदौलत वो वोट करेंगे, वो शायद वो तब्दील नहीं हो रहा है, वोट नहीं तब्दील हो रहा है, यही वजह है कि धार्मिक ध्रुवीकरण करने की कोशिश हो रही है। जहां तक बात ये जो आपने 4-5 सीटें गिनाई हैं, मुझे लगता है कि इन पर जो बड़े नेता हैं वो चुनाव उनके टक्कर का नहीं है। अब राजनाथ सिंह को आप कहेंगे तो लखनऊ में मुझे नहीं लगता कि उनको कोई विशेष फाइट मिलने वाली है, ऐसे ही अमेठी में स्मृति ईरानी जी कुछ भी कर लें, वहां की जनता इस समय यह देख रही है कि राहुल जी प्रधानमंत्री भी हो सकते हैं, तो इस वजह से कहीं ना कहीं राहुल जी अब पहले के चुनाव के अपेक्षा इस बार कहीं मुझे लगता है कि 3 गुने से ज्यादा विजयी ना हो, यह भी हो सकता है, लेकिन हारने का तो सवाल ही नहीं उठता।
ऐसे ही अब आप बनारस जाइए तो बनारस में चाहे जितना हो मोदी चंद्रमोहन जी नहीं, आप देखिए कितनी भी आप चुनौती दे लें लेकिन गढ़ में आप हरा नहीं पाएंगे। नहीं नहीं संभव ही नहीं, संभव ही नहीं। जी चंद्रमोहन जी आप 23 मई को देखिएगा जी, और आपको बता दे राहुल बाबा इसलिए वायनाड नहीं गए हैं, उनका आंतरिक सर्वे। राहुल बाबा की बात मत करिए, राहुल बाबा को तो कंफर्ट जोन में पहुंचा दिया वायनाड सीट से खड़ा करके वो, लेकिन बड़ी चुनौती केंद्रीय मंत्री की साख दांव पर है जी। नहीं जी देखिए राजनेता जो होता है वो बड़ा अनुभवी होता है, चुनाव लड़ता है, वो दो जगह से ऐसे नहीं लड़ता चाहे कोई भी उसको लगा के चले में 2014 में लगातार वो युवराज वो राज हराना है उनके लिए। ये कब तक बोले उन्होंने चला और उनको पता था कि स्मृति जी ने जो 5 सालों में वहां के लिए किया है वो 55 साल में राहुल बाबा के परिवार ने नहीं किया है, वो इसलिए घबरा कर वहां से भागे हैं। और वहां पर आप देखिएगा फिर आपसे बता रहे हैं 23 मई को वहां पे राहुल बाबा हारने जा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी। आप बेकार में चंद्रमोहन जी, आप बेकार में उनकी चिंता कर रहे हैं। जन कल्याण सिद्धि जी, सिद्धि जी आप भले अमेठी की सीट तो, लेकिन वायनाड सीट तो पूरे सेफ जोन में आपने पहुंचा दिया कम से कम अमेठी में। हालांकि कड़ी टक्कर, कितनी कड़ी टक्कर लग रही है सिद्धि जी? जी बिल्कुल कड़ी टक्कर तो नहीं, हम मजबूती से सच्चाई से लगे हैं क्योंकि हमने वहाँ काम किया है, विकास किया है। हमारे आगे भी राजीव गांधी जी से लेके सोनिया गांधी जी से तक राहुल गांधी जी, जो विकास हुआ है उस विकास पे ही हमको वोट मिलेंगे। आज भी अगर प्रियंका गांधी जी गई हैं वहाँ पे, जाती रही हैं अक्सर, तो वहाँ पे लोगों का एक जो सद्भाव है उनके प्रति और उनकी जो भाषा शैली है, सहजता है, शालीनता है, उससे लोग चाहे वो महिलाओं हो, युवाओं हो, बुजुर्ग हो, बुजुर्ग तो बिल्कुल। अच्छा सिद्धि जी मेरे एक सवाल का जवाब दे दीजिए, सिद्धि जी मेरे एक सवाल का जवाब दे दीजिए। प्रियंका गांधी जा रही, दौरे कर रही, लेकिन अभी वो उनका एक वीडियो बड़ा वायरल हो रहा है कि वो सांप से खेल रही, वाइल्ड और जो एक्ट है वो भी लग गया उन पर, डीएम से तक शिकायत हो गई है। क्या संदेशा, संकेत, संदेशा क्या देना चाह रही है कि वो खतरों से खेलना जानती है? नहीं देखिए तो पहले देख लीजिए कि वो जो घुमंतू जाति होती, सपेरा है और नटी है, ये लोग अपना छोटे से अपना जीवकोपार्जन करके अपना अपना घर चलाते हैं। तो उनके पास बैठ के 2 मिनट बैठ के हाथ रख दो मिनट नहीं बैठे हैं वहाँ पे, किस तरीके से जानवरों को, मैं बता रही हूँ थोड़ी देर बैठ के टच उनके नहीं किया जा सकता, एक एक्ट बना हुआ है इसका। आप सपेरों को कौन, वो तो सांपों के साथ खेलने थे, सपेरों की बस्ती में जाती, वहाँ पे इतनी बड़ी बस्ती, सपेरों का हाल जानती। उनको प्रोत्साहित करने के लिए उनसे दो बातें कर ली भाई, जो नदी है और भी बहुत से लोग अपना पेट। अब जा करके ये जो लखनऊ में जो प्रिंस ऑफ वेल्स जूलॉजिकल गार्डन है जिसे चिड़ियाघर भी कहते हैं, अब वहां पे जाके सब यही करेंगे सब जा करके, अब ये संदेश आ गया है। हाँ नहीं नहीं, आपने आपने जिस तरीके से डिफेंड किया है, दुख पे बैठ के बात करना, उनकी बात सुन लेना, तो क्या बीजेपी में ये हो सकता है? मैं समझ ना पा रहा हूँ, चलिए प्रोफेसर साहब इस बात को अच्छे से समझा देंगे। प्रोफेसर साहब क्या वाकई में ये ऐसे सांपों को हिला करके डालने से ऐसे दुख दर्द दूर होगा? दुख दर्द क्या ऐसे दूर होगा? अब ये तो बहुत अच्छी तरकीब निकल आई प्रोफेसर साहब। नहीं, इससे दुख दर्द दूर नहीं होता है, लेकिन बैठ के बात करने का सवाल नहीं है वहाँ पर। सुन तो ले जी, बैठ के बात करने का सवाल, आप वो पूरा वीडियो देखिएगा, जी अरे आपकी बड़ी लंबी विरासत है, आप इतनी बड़ी पार्टी है, थोड़ा धैर्य रखिए। आप भारतीय जनता पार्टी से, भारतीय जनता पार्टी से मैं अलग आपको समझता हूँ, कांग्रेस का ऐसे बड़प्पन की मैं सराहना करता हूँ, इसीलिए थोड़ा सा धैर्य रखिए। वो जो आलोक जी जो पूछ रहे हैं वो निश्चित रूप से जनता का इससे दुख दर्द दूर नहीं होता है, लेकिन कोई इतने बड़े कद का नेता अगर आता है और उनसे अपने भावनाएं साझा करता है, उन लोगों से बातचीत करता है, और कहीं ना कहीं एक बड़ा नेता ये जब काम करता है तो उसका एक मैसेज भी जाता है जी। और वो मैसेज ये है जो प्रियंका जी दे रही है, मुझे लगता है वो ये कहना चाहती हैं के बड़े बड़े कालिया नाक को भी बश में हमें करना आता है जी। और उनका इशारा चाहे वो स्मृति ईरानी हो चाहे नरेंद्र मोदी जी हो, यही सवाल, मेरा था मनोज जी, मनोज जी यही कि खतरों के खिलाड़ी हो, खतरों से खेलना अच्छी तरीके से आता है, तो खतरा सीधे तौर पर किससे है खतरा मनोज जी? आलोक जी दरअसल आप मनोज जी आ रहे हो, पहले मनोज जी से सवाल का जवाब, सवाल हो प्रवक्ता सवाल, थोड़ा समय लेंगे आपसे। बेसिकली अगर प्रियंका जी को इतना खतरा से खेलना आता है तो
फिर मोदी के सामने कैंडिडेट क्यों नहीं बनी? होता क्या है कि सस्ती लोकप्रियता, आज व्हाट्सएप और फेसबुक का टाइम आ गया लोग जी, तो लोग जो भी बड़े नेता हैं जिनका इस जमीन से कहीं कोई कनेक्टिविटी नहीं है, बिल्कुल ठीक कह रही है कि लोग नहीं सभी हैं लोग, सुनिए आदत डालिए, गेहूं काटने से लेकर के ट्रैक्टर चलाने से लेकर के सपेरे के साथ लेकर के पानी बुझाने से लेकर के नहर नाले, आप जरा पूछिए ना कि इस 23 मई के बाद ये जितने प्रत्याशी स्टार प्रचारक हैं वो कौन से इस नहर नाले में आने वाले, कोई नहीं आता आलोक जी। दूसरी बात रही बात चुनाव की, तो चुनाव देखिए बड़े नेता जितने भी लड़ रहे हैं इनको कहीं कोई क्रॉस इसलिए नहीं करता, ये बड़ी मिलीभगत होती है। राजनाथ जी के सामने कोई ऐसा कैंडिडेट नहीं जो टक्कर दे सके, मोदी जी के सामने कोई कैंडिडेट जो टक्कर दे सके, सोनिया जी के सामने कोई ऐसा कैंडिडेट टक्कर दे, हाँ राहुल जी के सामने भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं प्रबंध तंत्र के हिसाब से कड़ी टक्कर दे रही है, लेकिन 2014 का वेव आज नहीं है। इस बार मैं इस बात से बिल्कुल सहमत हूँ प्रोफेसर साहब के कि भाई राहुल जी की जीत में कोई संशय नहीं है, वो तो तय होगा 23 तारीख को, लेकिन मार्जिन कितना बड़ा होगा ये देखने का विषय जी। चंद्रमोहन जी अपनी बात रखना चाह रहे हैं। जी जी जी, देखिए जैसे अभी तक मैं आकलन उनका किया जा रहा है, आप देखिए राय बरेली और अमेठी, आपको पता है जब ये इतने बड़े नेता, जब प्रधानमंत्री जिसको राय बरेली अमेठी ने दिया हो, आज भी वो मूलभूत सुविधाओं से वंचित है, आज भी वहां जन कल्याणकारी योजनाएं आपको दिखेंगी नहीं, वहां पर जो है 4 साल पहले क्या गड्ढे थे कितने, आप बताइए रायबरेली का विश्व स्तरीय विकास होना चाहिए था कि नहीं, जितना बड़ा नाम वहां उन लोगों ने दिया, वहां की जनता ने इनको जो है कितना मतलब अंध भक्ति भक्त की तरह उनको दिया, उनको अपना देवता माना, लेकिन देवता ने क्या किया, देवता ने उनको छला, और आज इसे 5 सालों में जब उन्होंने देखा कि स्मृति जी ये इनके राजकुमार मात्र 17 बार गए और वो 42 बार आई, वो हर दुख सुख में वहां आती जाती हैं लोगों के बीच। चंद्रमोहन जी आप तमाम सारे सवालों के जवाब दे रहे हैं, जरा मेरे एक सवाल का जवाब दीजिए, 6 तारीख को जिस तरीके से मतदान होना है अवध क्षेत्र काफी अहम है, लेकिन इस बीच जो चर्चा में जो बयान है वो ये है बाबर की औलाद जो योगी जी ने कहा, जिसको लेकर के चुनाव आयोग को नोटिस तक मिल गई है योगी जी को, ये चुनाव जैसे जैसे नजदीक आता है बयानबाजी लगातार बढ़ती जा रही है, आखिर ये सब क्या है? इसका जवाब मैं लूंगा चंद्रमोहन जी से ही लूंगा, लेकिन समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता कपीश जी हमारे साथ जुड़ गए, कपीश श्रीवास्तव जी, कपीश जी नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है कपीश जी। अगर बात करें अब अवध क्षेत्र का जो चुनाव है ये 5वें चरण का रण कई मायनों में काफी अहम है, क्योंकि इस चरण में कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी और यूपी अध्यक्ष सोनिया गांधी की लोकसभा सीटों क्षेत्रों अमेठी और रायबरेली में मतदान होगा, और अमेठी में राहुल की लड़ाई स्मृति ईरानी से, और इस बीच आप अपने आप को कहां पे पाते हैं? देखिए सीधी सी बात है कि जो दो सीटें गठबंधन ने इनके लिए छोड़ी है कांग्रेस के लिए, तो वो वहां पे क्लीन स्वीप कर रहे हैं उन जगहों पे, रायबरेली हो या अमेठी हो, वहां कोई लड़ाई नहीं है, वहां सारी लड़ाई दिखावटी है। पिछली बार भी स्मृति ईरानी साहब हारी थी और इस बार 3 लाख से कम के वोटों से नहीं हारेंगी, सारी एंटी इनकम्बेंसी मोदी जी की और योगी जी की उनके खिलाफ लगी हुई है। बाकी जगहों पे जो अवध प्रांत में है वहां गठबंधन के उम्मीदवार लाखों लाखों मत से जीतेंगे, और उसके पीछे कारण सिर्फ ये है कि जो 2012 से 17 में हमारी अखिलेश जी की सरकार ने विकास परक योजनाएं चलाई और कार्य करके दिया है। और दूसरी चीज आप देखिए, कि मैं आपको बता दूं जिस तरीके से मोदी सरकार और जिस से योगी सरकार ने यहाँ पे काम किया है, और एक भी उनके उसका वादा पूरा नहीं है संकल्प पत्र का, वो उनको देश की जनता सबक सिखाने जा रही है तौर पे अवध में जितने भी सीटें पे चुनाव होने हैं। एक सवाल का और जवाब दे दीजिए, अगर मैं लखनऊ के क्षेत्र की बात करूं तो आप लोग किस तरीके से इससे पहले के चुनाव में राजबब्बर साहब को भी खड़ा कर चुके हैं, मुजफ्फर अली साहब को भी मौका आप लोगों ने दिया, लेकिन आप लोगों की दाल नहीं गनी तो आप लोग पूनम सिन्हा को ले आए, पूनम सिन्हा से अब कितनी उम्मीदें लग रही हैं, आपकी झोली में जीत डाल पाएंगी क्या? देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि समाजवादी पार्टी ने एक साफ सुथरा चेहरा दिया है और एक समाज सेवा से जुड़ी हुई
हमारी कार्यकर्ता रही हैं पूनम सिन्हा जी। अच्छा, लखनऊ की जनता के बीच कितनी सभा। कपीश जी हमारे साथ बने रहिए, इस सवाल का जवाब वरिष्ठ पत्रकार देंगे। समाज सेवा, जनप्रतिनिधि, सर कितना अच्छा लगता है ये सब शब्द बोलते हुए डिबेट में। मैं बोल रहा हूँ, एंकर बोल रहा है, सवाल पूछ रहा है, कितनी बड़ी जनप्रतिनिधि, जनता की हितैषी हैं पूनम सिन्हा जी, जरा बता दीजिए सर। हाँ कपीश जी, पहले इस बात का जवाब दे कि क्या कहेंगे शत्रुघ्न सिन्हा जी, वो कांग्रेस के प्रत्याशी पटना में और उनकी पत्नी पूनम सिन्हा जी लखनऊ में है और वो प्रचार से लेकर के सारी चीजों, तो बड़ा देखिए ये सवाल भी पूछा कि उन्होंने कहा मैं पत्नी धर्म निभाऊंगा। आप नहीं, नहीं मैं बता रहा हूँ, दो सीटें कांग्रेस के लिए आप छोड़ देते हो, कांग्रेस आपके लिए 7 सीटें छोड़ दी। जनता बेसिकली चीजों को बहुत अच्छे से समझती है। और रही बात चौबे जी, आपको बताना चाहूंगा कि दो लोगों को 2 सीटों को चुनाव लड़ना कोई पहली बार नहीं है। अडवाणी से लेकर के आपके स्वर्गीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी से लेकर के मोदी, मतलब बहुत सारे लोग 2 सीटों पर चुनाव लड़े हैं। तो राहुल जी देखिए भागने की स्थिति नहीं होती है। जैसे गुजरात से चल के प्रधानमंत्री एक पूर्वांचल और यूपी को टारगेट करके बनारस चुनाव लड़े तो उनको लगा कि बाकी सारी चीजें ठीक हो जाएंगी। यही रणनीति राहुल गांधी की भी थी वायनाड जाने की। तो ये मत कहिए भाई भाग गए, भाग क्यों जाएंगे आप, बाकी चीजों का फैसला 23 तारीख कर देगा, हम और आप सब लोग देख लेंगे। बिल्कुल, अब वही मैं कह रहा हूँ, बार बार मैं कहता हूँ प्रोफेसर रवि साहब कि कुछ चीजें तो अब जनता के लिए भी छोड़ दीजिए ना, जनता भी तो एक अहम फैक्टर है। क्योंकि हम ही सब लोग डिबेट में, जैसे आप किसी से भी राजनीतिक दल के प्रवक्ता से पूछो, 80 की 80 सीटें, 74 74 की सीटें, कुछ चीजें जनता पे भी छोड़ दीजिए। यही तो मेरा सवाल था रवि जी। फैसला उसी को करना है, और इस बार बहुत साइलेंट वोटिंग हो रही है। मतदाता जो है वो सामने आकर के वो बात, दिल की बात नहीं कह रहा है, वो ये पहले भी होता रहा है लेकिन इस बार कुछ ज़्यादा ही साइलेंट है। और जो दूसरी बात, जो आपने पहले सवाल उठाया कि समाज सेवा और ये सेवा, अब तो बॉलीवुड पूरा उतर आया है और उसमें कोई भी दल ऐसा नहीं है कि पाक साफ हो। कांग्रेस भी लेकर के आई उर्मिला जी को या शत्रुघ्न सिन्हा को, और बीजेपी भी कर रही है वही। तो ये दरअसल जनता से जुड़ाव अब कितना रह गया है नेताओं का, ये तो हम सब लोग जानते हैं। दूसरी बात, शत्रुघ्न सिन्हा जी ने जो बात कही थी वो बहुत बड़ी बात थी, जिसको हम लोगों ने शायद उतना समझा नहीं। उन्होंने लखनऊ में कहा कि मैं पत्नी धर्म निभा रहा हूँ, कोट एंड कोट समझिएगा, मोदी जी की पत्नी धर्म क्या है ये उस पर निशाना था। कि पहले तो कई बार एफिडेविट में उन्होंने लिखा कि अब शादीशुदा नहीं है, उसके बाद अब चुनाव आयोग ने कहा तब अब लिखने लगे हैं, लेकिन वो पत्नी को छोड़ करके काम कर रहे हैं, तो वो शत्रुघ्न सिन्हा का निशाना वहां था। तो ये भारतीय राजनीति का दुर्भाग्य ही है कि जो जनता के बीच नहीं है, केवल वो चेहरे हैं जो आ जाते हैं कभी अचानक चुनाव के समय जो अवतरित हो जाते हैं। सिद्धि जी सवाल ये भी है कि आपने भी ऐसे किया, कितने आपके यहाँ कांग्रेस के एक से एक बढ़ के नाम थे, कार्यकर्ता थे, पदाधिकारी थे, प्रवक्ता थे, किसी को मौका नहीं दिया आप लोग? एक सन्यासी को लिया, उसको मौका दे दिया। देखिए सन्यासी की बात है तो वो ऐसा नहीं, उन्होंने हमारे अभी 3 राज्यों में जो चुनाव हुए उस वहाँ पे वो प्रचार प्रचारक थे, वहाँ पे पूरी तरीके से उनका अच्छा प्रभाव हुआ। वो प्रचार प्रसार तो हम लोग भी करते हैं, मीडिया भी अच्छा से करती है, मीडिया से भी आप लोग किसी को मौका दे देते हैं, प्रचारक बना के भेजे गए और उनका जनता से बहुत अच्छा संबंध लेकिन होता है। उनकी जनता से उसी का संबंध होता है जो इलाके में जानता है, जनता के सुख दुख में साथ देता है। जनता ये नहीं देखती कितने बड़े बाबा है, और बाबाओं की लिस्ट में भी मैंने उनका नाम देखा था कि किस तरीके से नाम दिया प्रमोद कृष्णम का। चुनाव लड़ने गए तो उनका सारा का सारा पर्चा ही जी, जी। बाबा जानते हैं कि असली स्वर्ग जो है वो विधानसभा और लोकसभा में है, तभी तो वो जनता को केवल बताते हैं कि स्वर्ग कहीं और मरने के बाद मिलता है। वो असली स्वर्ग जानते हैं, इसलिए सब चुनाव मैदान में आ गए हैं। तो ये चाहे उसमें प्रमोद कृष्णन जी हो, हालांकि वो राजीव गांधी के समय पर वो उप प्रवक्ता हुआ करते थे, बहुत पहले से कांग्रेस से जुड़े हुए हैं, लेकिन लखनऊ के लिए तो नए हैं, बिल्कुल सही आप कह रहे हैं जी। तो ऐसे लोगों लेकिन को देना। लेकिन कांग्रेस पार्टी तो के प्रवक्ता तो भी मान नहीं, पीएम मोदी हमारे, मोदी जी भी तो नए थे बनारस के लिए, तो ये कहना उचित नहीं है। जब जो हमारा कैंडिडेट जो हमको सही लगेगा, सभी दल ऐसा करते हैं जिसको लगता है। लेकिन वो डायरेक्ट प्रकट नहीं हो गए थे, वो एक राज्य के तो मुख्यमंत्री थे ना, जनता के सेवक थे ना। मेरा सवाल यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ क्योंकि संबल में चुनाव लड़ चुके हैं, संबल में कितना बड़ा उनका जो सब देख रहे हैं वहाँ पर किस तरीके से उनकी पीठ बनी हुई है, पूरा कल की जो आश्रम बना हुआ है जी, संबल में। इसीलिए मैंने सन्यासी शब्द का इस्तेमाल करा। अगर जन सेवक कोई होता वहाँ पर तो आप लोग लाते तो बेहतर होता। क्यों? बहुत अच्छा है, उनका सामाजिक सरोकार बहुत अच्छा है, लोगों के बीच उठना वो कुछ एक खास वर्ग है जो कल की समाज को मानता है,
एक जन सहभागिता जिसे मास कहते हैं, हम लोगों को भी पढ़ाया जाता है मास कम्युनिकेशन में कि आपकी जितनी मास में ज्यादा एबिलिटी होगी आप उतने ज्यादा लोकप्रिय होंगे। आप लोगों ने ये नहीं सोचा क्योंकि चुनाव तो सीधे तौर पर जनता के सेवक के तौर पर आप आते हैं। मुख्यमंत्री भी बने बैठे हैं और मंत्री भी बन गई, जल समाधि जो लेना चाहते हैं। चलिए चंद्रमोहन जी, लेकिन मेरा सवाल ये था कि वो जनता के सेवक के तौर पर आप लोग आते हैं ना, सवाल तो यही है ना जी। बिल्कुल जनता के सेवक है। आप ये बताइए उनका एक परिवार, उनका भाई या उनके माता पिता कोई भी क्या उनके आसपास दिखते हैं या उनके सरकारी आवास में दिखते हैं? देखिए इस तरह की जो है बातें करना वो समाज सेवा है। सन्यासी बनकर भी आदमी समाज की सेवा करता है और जो है सांसद बनकर भी सेवा करता है। हाँ, सेवा मेवा कब होता है? जब परिवार को लाया जाता है, जब अपने भतीजों को विधायक बनाया जाता है, जब अपनी माँ को सांसद बनाया जाता है, जब अपने बेटे को सांसद बनाया जाता है। आप बता दीजिए योगी जी के ऊपर एक भी उनके उनके भाई, आज भी उनके उनके भाई जो है मंदिर उत्तराखंड में है, मंदिर के सामने फूल बेचते हैं। तो ये बताइए। और बाकी अन्य जैसे प्रमोद किशनर जी का आपको बता दे, ये और चक्रपाणि जी एक बात कर रहे थे, आप पता कितना अभद्र भाषा एक महिला, यही कपीस के विषय में मैं पूछना चाहता हूँ। वो जो है प्रमोद त्यागी ने क्या कहा एक महिला के बारे में, गठबंधन की जो महिला प्रत्याशी है? आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया चंद्रमोहन जी, किसने क्या कहा? मैं उस पार्टी के प्रवक्ता से सवाल पूछूंगा। बाबर की औलाद, एक बार फिर ये मुख्यमंत्री योगी आदित्य ने कहा है, इस सवाल का जवाब मैं लूंगा। आप जवाब अच्छे से सोच के रखिएगा क्योंकि योगी जी ने इसके कहा है कि मंच पर हम भजन करने नहीं जाते हैं। ये सवाल है और ये ब्रेक तक सोचिए और मैं वापस आता हूं फौरन, आप ही से जवाब लूंगा। सबसे पहले फौरन हाजिर होता हूं, छोटा सा ब्रेक, बड़ी बहस जारी है। तो लोकसभा चुनाव के चार चरण की वोटिंग के बाद अब पांचवें चरण की सीटों पर राजनीतिक दलों ने ताकत झोंक दी है, कुछ ने काम के जरिए तो कुछ ने बयानों के जरिए। चंद्रमोहन जी के पास सीधे से आता हूं, ब्रेक के पहले मैं टीस करके गया था, बाबर की औलाद बयान किस तरीके से सुर्खियों में है। काम एक तरफ बोल रहा है और बयानबाजी एक तरफ हो रही है और इस बयान को लेकर के सफाई भी दी गई है कि योगी जी ने कहा कि हम मंच पर भजन करने नहीं जाते। मान लिया भजन करने नहीं जाते, अब काम को गिनाइए, लेकिन इस तरीके की बयानबाजी क्या संदेशा जा रहा है? नहीं देखिए, जब राजनेता जब मंचों पर जाते हैं, पब्लिक से जब बात करते हैं तो अपनी बातों को जो है, जैसे राजनीतिक दलों से आपस में चर्चा होती है तो उसी तरह की चर्चा में उनसे बात हुआ होगा। उन्होंने सफरीक रहमान जो वहां के प्रत्याशी थे, उन्होंने कहा था कि भाई देखो हम तो बाबर के औलाद हैं, तो उन्होंने वो बात कहा। और सुनिए, सफीर वही है जिन्होंने संसद में जो है यहाँ के राष्ट्र गीत को जो है गाने से जो है उन्होंने मना कर दिया था, कहा था हम वंदे मातरम नहीं गाएंगे। ये वंदे मातरम को दिक्कत किससे हो सकती है? ये वंदे मातरम वही, मत करिए, हमारे पास उदाहरण बहुत सारे हैं। आजादी के मतवाले वंदे मातरम बोलकर लोगों के बीच जाते थे, उससे देश में एकता के भाव दिखता था। लेकिन ये बताइए, अगर इस तरह के लोग जिनको राष्ट्र गीत से अगर भावना है तो वो किसकी हो सकता है? बाबर की औलाद को तो दिक्कत हो सकती है। ये तो सवाल के बदले सवाल हो गया, ये सवाल के बदले सवाल हो गया, ये सवाल। मनोज जी, मैंने बीजेपी से सवाल पूछा, मेरे सवाल का जवाब नहीं मिला। मैं इसका जवाब आपसे चाहूंगा क्योंकि योगी आदित्यनाथ जी ने जब विधानसभा चुनाव थे राजस्थान में, वही अली और बजरंग बली का मामला उठा था और वो आज तक 2019 तक चलता रहा। अब ये मामला भी कहीं ना कहीं उठ गया। क्या विकास के मुद्दे कम पड़ गए हैं क्या जो इस तरीके की चर्चा होती है और डिफेंड करते हैं फिर प्रवक्ता? आलोक जी, दरअसल एक आम नेता या आम प्रत्याशी इस तरह की बात करे तो लगता है कि टंग स्लिप हो गई या कोई बात हो गई। लेकिन अगर संविधान, वही एक इतने बड़े प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं और उनसे अगर इस तरीके की बात या बयान या किसी जनसभा में निकलता है तो उसके बहुत दूर के मायने होते हैं। और दूर के मायने ये हैं कि कहीं ना कहीं वो उन चीज़ों को कनेक्ट करते हैं ध्रुवीकरण में या राजनीति में, जो वोटों की राजनीति लगातार, चाहे वो दिग्विजय सिंह के बयान देख लें, चाहे वो योगी जी के बयान देख लें। और इससे जनता क्या करती है? भाई बाबर की बात अगर करेंगे तो बात बहुत दूर तक जाएगी। बाबरी मस्जिद आप देख ही रहे हैं, बाकी हम नहीं मानते कि हिंदुस्तान का जो भी मुस्लिम्स है, देखिए उसकी सोच अलग हो सकती है, उसका धर्म अलग है। हम तिरंग लगाते हैं, वो टोपी लगाते हैं, या वो उनकी अपने मानने के अवधारणा अलग, मेरे अपने मानने के, लेकिन कहीं ना कहीं
इन सब चीजों से लोग ध्रुवीकरण में लोग इसको आप हिंदू को एक करेंगे तो मुस्लिम तो बेसिकली होता क्या है, इस तरह के बयान जनमानस में बहुत गलत मैसेज देते हैं और नेताओं को इनसे बचना चाहिए। प्रोफेसर साहब, नेताओं को बचना चाहिए, चुनाव आयोग लगातार किस तरीके से जो जितना कर सकता है, योगी जी को इससे पहले भी 72 घंटे का नोटिस दिया जा चुका, कोई भी राजनीतिक दल कम नहीं है। आजम खान साहब को ले लीजिए, किस तरीके से बयान दिया उसको शायद मैं एक बार अपने मुंह से दोहरा नहीं सकता, लेकिन लोगों में यानी कि जब हम आम जनता की बात करते हैं तो किस तरीके का इम्पैक्ट पड़ेगा और सीधे तौर पर ये पूरा का पूरा चुनाव प्रभावित होता है। देखिए आलोक जी, आपको TN सेशन साहब का समय याद होगा, चुनाव आयोग कितना मजबूत हो गया था, लेकिन मोदी जी ने आने के बाद जो सबसे बड़ा जो दुष्प्रभाव डाला है भारतीय लोकतंत्र पर वो है संवैधानिक संस्थाओं की लगभग हत्या कर दी है, इतना कमज़ोर कर दिया है। और उसमें पूरी फेहरिस्त है, अभी चुनाव आयोग आपको दिख रहा है, आज सुप्रीम कोर्ट ने कल या परसों चुनाव आयोग को आदेश दिया है कि 3 मई तक मोदी जी और अमित शाह के खिलाफ जो शिकायतें हैं उनका निपटारा आप कीजिए। जिस गति से वो कर रहे थे उसमें 6 महीना लग जाता, तो आपने सीधे सीधे, माने चुनाव आयोग ऐसे लगता है कि जैसे मोदी और अमित शाह पर कोई फैसला नहीं लेना है, उनके खिलाफ कोई भी आपको एक्शन नहीं लेना है, तो सुप्रीम कोर्ट आदेश दे रहा, ये तो हालत हो गई है चुनाव आयोग की। और ये लगता है योगी जी को या भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को कि हम तो साहब सबसे ऊपर हैं, संवैधानिक संस्थाएं हमारे सामने कुछ नहीं है तो हम कुछ भी बोल सकते हैं। और दूसरी बात जो सबसे मार्के की है, मोदी जी उसमें अव्वल हैं, वो खड़े होकर के कह सकते हैं कि साहब हम घर में घुस करके मारेंगे, वो ये कह सकते हैं कि हमने परमाणु बम पटाखे फोड़ने के लिए नहीं रखे हैं, ये कहेंगे बाबर की औलादे, ये ऐसे लगता है कि प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री की भाषा नहीं है, ये गली के गुंडे की किसी की भाषा है, वही कहता है कि हमारे घर में घुस करके मारेंगे। प्रधानमंत्री पद पर व्यक्ति बहुत जिम्मेदारी से साथ बात करता है। अरे दुखिए, मैं जानता हूं आप कौन है, वंदे मातरम की बात कर रहे थे, भगत सिंह को फांसी दिलाने में वकील था। सुनिए पहले, अरे सुन लीजिए पहले, अभी काला चिट्ठा खोल दूंगा, काला चिट्ठा खोल दूंगा। अंग्रेजों के गुलाम रहे ये संघ के लोग 1925 में बनने के बाद, और उस समय हिंदू महासभा के लोग, जनसंघ के लोग जो अंग्रेजों की दलाली पर सहे रहे, वो आज श्यामा प्रसाद मुखर्जी जेल गए थे। अरे श्यामा प्रसाद मुखर्जी जेल गए थे, मैं उनका बता दूं जी, जेल गए थे। आप लोग सही थे, इतिहास के साथ पढ़ाया गया है इतने लोगों को, अरे इन लोगों ने इतिहास की गलत पढ़ाया है, कोई अंतर नहीं है, गलत इतिहास और मुखर्जी में कोई अंतर नहीं है, बेचैनी हो रही है, मुस्लिम जो गलत इतिहास पढ़ाया गया है, बंगाल में सरकार बनाई थी, इतिहास भी होता। दरअसल इनको धार्मिक ध्रुवीकरण करने में बड़ा मजा आता है, ये जितना नफरत फैलाएंगे इनको लगता है। सर किसी ने क्या कहा था, मेरा यह मुद्दा नहीं है, ना ही मेरी डिबेट का टॉपिक है। चलिए मैं वरिष्ठ, चलिए जी, आप नाम सबका लीजिए, चलिए चंद्रमोहन जी, सवाल ये है कि चुनाव के बाद हम एक बार फिर बात करते हैं, जब हम आपकी बात करते हैं जी। चलिए मुझे कोई यहाँ पर कंपटीशन नहीं करना है, यहाँ पे कंपटीशन नहीं चल रहा है, यहाँ पर हर पार्टी अपनी अपनी बात रख रही है। चलिए मैं मनोज जी के पास आ रहा हूँ, चलिए कोई भी दल पीछे नहीं है इसमें, कोई भी दल पीछे नहीं है, मैं मनोज जी के पास आ रहा हूँ। सर मैं इस 5th फेज को लेकर के बात कर रहा हूँ, तो रामनगरी अयोध्या जो पिछली बार बीजेपी ने बाजी मारी थी, राम के सहारे बीजेपी एक बार फिर अवध के किले को जीतना चाहती है, लेकिन रामनगरी का एक इतिहास भी ऐसा रहा है कि 5 साल बाद एक बार यहां पर वोटर उम्मीदवार को बदल देता है, इस बार किस तरीके का सिनेरियो नजर आ रहा है? असल अयोध्या की स्थिति कमोवेश इस तरीके से आलोक जी कि वहां की जनता, हम आप तो बेसिकली उस तीर्थ स्थल को भगवान राम से जुड़े हुए हैं, हमारे धर्म की बात है, तो कहीं ना कहीं हम लोग इमोशनली या धार्मिक तरीके से, लेकिन अयोध्या की जनता का तो काफ़ी उपहास इसलिए माना जाएगा कि अयोध्या के नाम पर लगातार सरकारें प्रदेश और देश में बनती रही हैं, अयोध्या में मंदिर बना नहीं बना, अब ये संविधान की बात है, और संविधान की बात तो जब से मोदी जी के बयान आया तो सारे नेता उस पर लगातार, अदरवाइज तो सारे लोग यही कहते थे मंदिर हम बनाएंगे, बना रहे हैं, बनाएंगे, इसके अलावा दूसरी कोई बात होती नहीं थी। लेकिन लेकिन ठीक है चंद्रमोहन जी, इसी राम मंदिर के मुद्दे को लेकर के जब अयोध्या में अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गए, जनसभा को संबोधित भी किया, वहां पर साधु संतों की नाराजगी थी कि वो रामलला के दर्शन करने नहीं गए, तो इस डैमेज को कैसे कंट्रोल करेंगे, और ना ही राम मंदिर को लेकर के कोई बात की, हालांकि तर्क बहुत सारे उन्होंने दिए। मोदी जी
राम जी के कार सेवा भी कर चुके हैं, राम जी के आंदोलन मंदिर आंदोलन में जो है वो बहुत पहले से उनके लिए लगे हुए थे। लेकिन अभी वो चुनावी मोदी नहीं गए, योगी जी गए, अमित शाह तक हुआ है, लेकिन मोदी जी नहीं गए। सवाल ये संतों की नाराजगी इस बात को लेकर है। मंदिर बनाने का पूरी तरह से प्रयास किया, सुप्रीम कोर्ट में रोज सुनवाई हो, लेकिन जो मंदिर के विरोधी हैं, जो राम जी को न मानने वाले, उनको कपोल नाम देने वाले, उनको एक किताबी नाम देने सर, वाले सर, मेरे सीधे से सवाल का जवाब दे दीजिए आप। सर 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 चंद्रमोहन जी इधर उधर मत मत बटकाइए, मेरे सवाल का जवाब दे दीजिए। कंबोडिया जाते हैं, कंपोचिया जाते हैं, चीन के मंदिरों में जाते हैं, प्रयागराज जाते हैं, काशी जाते हैं, वहां पर घंटों आरती होती है, लेकिन रामलला के दर्शन करने नहीं जाते, यही सवाल है मेरा। बस इस सवाल का मुझे जवाब दे दीजिए। उन्होंने मंदिर बनाने के लिए सर तो रामलला के दर्शन की बात कर रहे हैं बस। जो उनको नहीं मानने वाले, जो राम अस्तित्व के अस्तित्व को नकारने वाले, सर श्रद्धा की बात करिए, भटकाइए मत, अस्तित्व की बात मत करिए कि राम सबकी आस्था के प्रतीक है। मुझे ये भाषण नहीं सुनना है सर, भाषण नहीं सुनना है, सवाल का जवाब चाहिए बस जी। तो राम सबकी आस्था के प्रतीक है, सुनते सुनते प्रशस्त किया, माननीय सुप्रीम कोर्ट में रोज सुनवाई जाना चाहिए कि नहीं चाहिए, जाना चाहिए कि नहीं चाहिए, गए तो क्यों नहीं गए, मेरा ये सवाल था बस। इस सवाल का जवाब अगर आप दे सकते हैं, गए थे चुनावी के लिए गए थे, और उन्होंने और मंदिर वो तो उनके भक्त हैं। सवाल का जवाब ही नहीं मिला, देखिए वो सवाल का जवाब नहीं मिला, कई बार गए हैं जो पहली बार गए, साल में नहीं गए, पांच साल में नहीं गए सर। साधु संतों ने नाराजगी किस तरीके से जाहिर की है, उन्हें उम्मीद थी कि मंच से कुछ कहेंगे, श्री राम के नारे तो लगवाए, लेकिन कोई बात नहीं की। कुछ लोग बनावटी लोग जो कि माहौल खराब करने के लिए कुंभ से, अरे सब मान लिया, सारे के सारे साधु चलिए, लेकिन मेरे सवाल का जवाब नहीं मिला कि राम नगरी में, मेरे सवाल का जवाब नहीं मिला, राम की नगरी में जाके राम लला से दूरी क्यों? सर्टिफिकेट देने की जरूरत नहीं है जी, उनको जाकर, अरे संतों की नाराजगी तो जरा सोच ली होती। चलिए प्रोफेसर रवि साहब, चलिए होगा ठीक है, हाँ चलिए होगा, चलिए ठीक है प्रोफेसर साहब, आपका इस देश में संवैधानिक लोकतंत्र है और संविधान धर्मनिरपेक्ष है, और रही बात आस्था की, तो कोई व्यक्ति कहाँ जाता है, कौन किस भगवान की पूजा करता है, उसका व्यक्तिगत मामला है। रही बात आप राम मंदिर की बात कर रहे थे, वो मामला सुप्रीम कोर्ट में है, अब आप सुप्रीम कोर्ट को नहीं मानना चाहें तो वो आपका मसला है। और दूसरी बात, मैं कांग्रेस से भी इस बात के लिए सहमत नहीं हूँ कि आप नरेंद्र मोदी गए कि नहीं गए, ये उनका व्यक्तिगत फैसला है, इस चक्कर में काहे पड़ते हैं। और जो नेहरू की विरासत रही है, और उसको भाजपा को बल मिलेगा मेरी बात से, लेकिन मैं आपको कह रहा हूँ कि पहले इलेक्शन से लेकर के 1952 बल्कि और पहले से नेहरू जी ने लगातार जोर दिया है इस देश के धर्मनिरपेक्ष स्वरूप को बनाए रखने का। 52 के इलेक्शन में जो करीब 150 सभाएं उन्होंने की थी, और हर सभा में 90 मिनट से ज्यादा उनका भाषण होता था, अपने मंच पर वो प्रत्याशी को भी ठीक से नहीं लाते थे, लेकिन वो जो भाषण करते थे, मैं फैन हूं उस व्यक्ति का, वो कहते थे, सवाल उनका होता था कि हम कैसा देश बनाना चाहते हैं, क्या पाकिस्तान की तरह हम एक धर्म धार्मिक राष्ट्र बनाना चाहते हैं, या बहुल संस्कृति और बहु धार्मिक। सवाल पूछने के हक की बात है, जरा जल्दी से आरव ने ठीक है, एक सेकंड हां क्या कर सर, मैं आरव आपसे, मैं जरा कांग्रेस से भी फिर मैं पूछ रहा हूं, बस चलिए अच्छे से अपनी बात रखिए सर। पंडित नेहरू का सबसे बड़ा फेलियर था कश्मीर मुद्दा का नहीं सुलझा लेना, जो हमारी हमें और हमारी पीढ़ियों को भोगना पड़ रहा। आपको अगर याद हो उनके उनके उस अकेले स्टेट के नवाब के साथ व्यक्तिगत संबंध, आज हमको कहां से कहां लेके जा रहे हैं, आतंकवाद को हम किस तरह से भुगत रहे हैं। पंडित नेहरू की तारीफ आप करिए, आपको करना बनता है, लेकिन पंडित नेहरू का उस पर क्या जवाब देंगे? नहीं नहीं प्रोफेसर साहब, आप देखिए, और उन्हें पंडित नेहरू की पॉलिसी की देन थी कि आज एक लंबे समय से लगभग 12 लाख लोग उसी देश से, उसी राज्य से निष्कासित होकर किस तरह की जिंदगी जी रहे, सवाल बहुत दूर तक जाएगा। सवाल मेरा सिद्धि जी, मेरे एक सवाल का जवाब दीजिए। मेरा जो सवाल था कि राम मंदिर को जाकर के, जो कि मैंने बीजेपी के प्रवक्ता से भी पूछा कि राम की नगरी में जाकर के रामलला से दूरी क्यों, आपके यहाँ भी तो देखिए सोनिया, अगर प्रियंका की बात करें और राहुल, दोनों लोग गए वहां पर, प्रयागराज भी गए दर्शन करें, किस तरीके से वहां पे मंदिर जा रहे हैं, लेकिन अयोध्या में आप लोगों से तो और बड़ा सवाल कि आप लोग रामगढ़ी तक, वहां पर हनुमानगढ़ी तक गए और वहां पर उसके बाद भी रामलला के आप लोगों ने दर्शन नहीं किया। वैसे तो खूब हिंदुत्व की बात करते हैं,
नहीं देखिए वहाँ गए, इसके पहले भी जा चुके हैं राहुल गांधी जी, 2017 में हनुमानगढ़ी तक गए थे। मैं तो चुनाव के पहले की आस्था की बात कर रहा हूँ कि वो भी बता रहे जाते तो आप लोग कहते आशीर्वाद लेने गए थे अयोध्या में, गए कई बार गए, लेकिन मोदी जी से मेरा सवाल हमने पूछ लिया, काफी जवाब देने के लिए मैं बता रही हूँ। गए वो बस सेवा का जोर हरी झंडी दिखानी थी, वहां से होते हुए डायरेक्ट नेपाल चले गए, वहां नहीं गए। एक महंत साहब वहां पर हैं, उनका जन्मदिन के में उनको बुलाया गया बार बार, वो नहीं गए। तो वो ये इस वक्त वो गए तो ये तो चुनावी दौरा था उनका पूरी तरीके से। प्रवक्ताओं को वैसे मुझे लगता है ट्रेनिंग बहुत अच्छी मिल जाती है, अगर कुछ भी सवाल पूछे जवाब अपने मन से देना है। अगर वो ये बता रहे हैं बीजेपी के राम आंदोलन में मंदिर आंदोलन में, दोनों ने मुझे सवाल का जवाब नहीं दिया, तो गुजरात में भी दोनों से मुझे सवाल का जवाब नहीं मिला। मुझे लगता है अब मैं मुख्यमंत्री होते उन्हें आना चाहिए था, क्यों नहीं आए? अभी फिलहाल वो चुनावी दौरे सवाल दाग दिया एक ने, लेकिन मुझे एंकर को सवाल का जवाब नहीं मिला। अब मुझे लगता है कि एक पत्रकार की कलम से, पत्रकार की जुबान से जरूर इस सवाल का जवाब निकलेगा। सर दोनों दल पीछे नहीं हैं। आलोक जी, दरअसल चाहे मोदी हो चाहे राहुल हो, उन सब चीजों से बचना भी चाहते हैं और जाना भी चाहते हैं। मोदी जी को नहीं जाना, ये सबको मतलब जितना वो मंदिर मंदिर पिछले 5 साल से घूम रहे हैं, मुझे नहीं लगता है कि पशुपतनाथ से लेकर कोई जगह उन्होंने छोड़ी होगी, चाहे वो पुरी हो चाहे वो कैलाश। लेकिन उनसे मतलब किन वजहों से, एक सवाल है वो महंत के साथ नहीं, मेरा एक नागरिक होने के नाते मेरा भी एक सवाल है कि वहां से दूर आप सभा करते हैं और आप रामलला नहीं गए, जाना चाहिए था। राहुल जी बेसिकली क्या करते हैं कि पिछले 5 सालों से चाहे वो बयान में हो चाहे कारगुजारियों में हो, वो मोदी जी की नकल कर रहे हैं। मंदिर वो तब जाते नहीं कर रहे हैं, नहीं नहीं सिद्धि जी इस सवाल का आपको जवाब देना पड़ेगा। अब आलोक जी कर रहे हैं, आप अगर सिद्धि जी मुझे मेरे एक सवाल का जवाब कि बीजेपी आप लोग बीजेपी भाई जनरल क्यों दिखाते हैं मंदिर मंदिर फिर क्यों जा रहे हैं? ठीक है आप नहीं नकल नहीं कर रहे हैं, देखिए आप सिद्धि जी मेरे एक सवाल का जवाब दीजिए। बीजेपी आप लोगों को चक्रव्यूह में फंसाती रहती है और आप लोग उसी में फंसते रहते हैं, चाहे वो चौकीदार चोर है आप लोगों ने किस तरीके से उठाया, बीजेपी ने उसको ब्रह्मास्त्र बना लिया, चाहे वो चाय वाले को लेकर के उसे भी किस तरीके से कैश कराया, राफेल को लेकर के किस तरीके से अब आप लोगों को सामने देखा। मार्केटिंग की बात है यहाँ पर, मार्केटिंग की बात नहीं है यहाँ पर, मार्केटिंग में आप लोग मार्केटिंग में आप लोगों के एग्जीक्यूटिव कम नहीं है। मुझे कांग्रेस का अपना विजन बताइए क्या है। चंद्रमोदी में सवाल पूछ रहा हूं सिद्धि जी, एक सवाल का जवाब कि आपका अपना विजन क्या है, जो बीजेपी ने कहा आप लोग उसी को जवाब देते रहते हैं बस। नहीं बिल्कुल, अपना रोड मैप किसी में नजर ही नहीं आता। हमारा विजन और मिशन बिल्कुल हमारा अपना है, हम पूरी मजबूती से चुनाव मैदान में हैं और पूरी तरीके से प्रियंका गांधी जी और ज्योतिरादित्य सिंधिया जी जो पश्चिम के और पूर्वी के मिलके हम 42 सीटों पे मुकाबला एकदम कर लेते। प्रियंका गांधी अभी नहीं आई, ज्योतिरादित्य चप्पल जो प्रभाव सवाल जब परिवार तब आप लोग कहते अरे आप लोग ऐसे सवाल पूछ देते हैं। प्रियंका गांधी जी का बिल्कुल, प्रियंका गांधी का इतने सालों में कौन सा जनसंपर्क था, समर्थन कर रही है, सहयोग दे रही है पूरी तरीके से, तो लेकिन पैदल ला करके ज्योतिरादित्य सिंधिया के पैदल ला के समानांतर ला करके खड़ा कर दिया आप लोगों ने, उन्होंने कितनी खड़ा क्या कर दिया, प्रभारी बनाए गए कार्यकर्ताओं के प्रभारी बनाए गए और प्रियंका को डायरेक्ट एंट्री जी, जिस दिन से आए उस दिन से काम कर रहे हैं, अगर 100 दिन से कम भी तब तो आप लोग लाए 18 घंटे काम कर, और फिर एक सस्पेंस बनाया था कि काशी में ऐसा सस्पेंस खुलेगा, काशी में ऐसा प्रत्याशी लाएंगे, काशी में ऐसा प्रत्याशी ले आए, ऐसा घोषित कर दिया जिसकी पहले से ही जमानत जब्त थी, काशी में ऐसा प्रत्याशी ले आए जीत को आप लोगों ने खुद ही मौका दे दिया, बेहतरीन प्रत्याशी लेकर आए हैं अब हम लोग, बहुत बेहतरीन। चलिए अब मैं कुछ कहूंगा ही नहीं, प्रोफेसर साहब बहुत अच्छा प्रत्याशी जो जिसकी परफॉर्म सबने देखी, परफॉर्मेंस की क्या रही 2014 में, वो बहुत अच्छा प्रत्याशी है, तो मैं भी कहूंगा बहुत अच्छा प्रत्याशी है, एक बार नहीं कई बार कहूंगा कि कांग्रेस बहुत अच्छा प्रत्याशी लाई है। प्रोफेसर साहब इस सवाल का जवाब दे देखिए, सिद्धि जी कांग्रेस की प्रवक्ता है तो वो तो कहेंगे ही, उनको कहना भी चाहिए, लेकिन अजय राय जी वहाँ प्रत्याशी है, जमीनी नेता है, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन मोदी के सामने टिकना नामुमकिन है, सीधी सी बात है। रही बात प्रियंका जी की, वो जो सस्पेंस क्रिएट किया था वो एक साइकोलॉजिकल प्रेशर क्रिएट करने की कोशिश थी, जिसमें शायद वो कामयाब हुई हैं, और ये हम पहले से जानते थे, मैं व्यक्तिगत रूप से जानता था कि वो वहाँ से नहीं लड़ेंगी और चुनाव ही नहीं लड़ेंगी, लेकिन उन्होंने एक बनाया, फंसाया जाल में, तो शायद उसमें बीजेपी फंसी भी रही कुछ समय तक। रही बात ये जो आप जो कह रहे थे मंदिर का, ये मुझे लगता है कि ये डिस्कशन करने की वो नहीं है, और ये कांग्रेस की मैं कमज़ोरी समझता हूँ कि कांग्रेस को भी वही करना पड़ा।
उनकी हिम्मत होती कि वो नेहरू की तरह इस देश के धर्मनिरपेक्षता की ताकत को सामने ले आते। बिल्कुल, ये राहुल जी पर सवाल है, लेकिन इसमें भी कोई दो राय नहीं है कि मोदी की मार्केटिंग और मोदी और योगी जैसे जो पूरा धार्मिक रंग है उसके सामने कहीं राहुल जी को लगा होगा कि बिना इस खेल में आए हम शायद सफल नहीं होंगे। चलिए एक बार कमेंट, सिद्धि जी राहुल बचा पाएंगे अमेठी का किला, क्या लग रहा है? बस जल्दी से सर। अच्छा चलिए आ रहा सिद्धि जी। अच्छा पूरा राजनीति में धर्म का इस्तेमाल करना ठीक नहीं है, इसे सांप्रदायिकता कहा जाता है। राजनीति में धर्म का मेल करना ठीक नहीं है पूरे भारतीय लोकतंत्र के लिए। राजनाथ बनेंगे लखनऊ के नाथ क्या? चंद्रमोहन चौबे जी, चंद्रमोहन चौबे जी एक फाइनल कमेंट, राजनाथ लखनऊ के नाथ जी। बिल्कुल, वो जो है जनता जब मतदाता वोट देने जाएगी 6 मई को, तो उसके मन में वो ऐसे मतदाता मूर्ख नहीं है, वो आकलन करेगी कि 5 वर्ष पहले की स्थितियों में और आज की स्थितियों में क्या फर्क आया है। महंगाई चरम पर थी 13.5 से ऊपर, आज 3 पर है। भ्रष्टाचार का एक दाग नहीं लगा पाए, लगाने का प्रयास किए तो उच्च न्यायालय में जाके 2-2 बार लिखित माफी मांग लिए। आज विश्व की अर्थव्यवस्था 11 से आज जो है छठे नंबर पर आ गई है जीडीपी। चलिए लखनऊ की बात हो गई, एक वरिष्ठ पत्रकार से फाइनल कमेंट। सर लखनऊ की बात हो गई लेकिन राम की नगरी में लहराएगा भगवा क्या? नहीं, दरअसल इस बार आलोक जी पहले चरण से लेकर के चौथे चरण तक, कल 6 तारीख को 5वें चरण को चुनाव है, परिस्थितियां बहुत विपरीत हैं। खासकर भारतीय जनता पार्टी के सामने 80-73 सीटें उन्होंने जीती हुई है और पश्चिम उत्तर प्रदेश में 3 चरण में मायावती गठबंधन के साथ में अजीत सिंह के साथ लड़ाई हुई, 4थे चरण में कहीं न कहीं अखिलेश के साथ उनकी लड़ाई हुई, और जैसे जैसे पूर्वांचल बढ़ेंगे तो कोई एक सीट की बात, अयोध्या भी उसी में से अहम सीट है। गठबंधन और कांग्रेस कहीं गठबंधन भारतीय जनता पार्टी को कड़ी टक्कर दे रहे हैं और रिजल्ट तो कमोवेश हम, लेकिन जो एक बड़ी बात थी कि इन 4 सीटों पर या अखिलेश यादव की सीट आप ले लीजिए आजमगढ़ पर, बड़े नेताओं के खिलाफ कोई भी पार्टी बड़ा प्रत्याशी नहीं उतारती है, पता नहीं क्या वजह और क्या कारण वॉकओवर देते। चलिए तो कुल मिलाकर 5वां चरण काफी अहम है और कई मायनों में काफी खास है जो लगातार रोमांचकता बनाए हुए। आप सब मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया, चंद्रमोहन जी, सिद्धि जी, मनोज जी, रविकांत जी और कपीश जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो लखनऊ में भी जो अगर बात करें 5वें चरण का, काफी रोमांचकता पैदा कर रहा है, ऐसे में अयोध्या में बीजेपी की लड़ाई प्रतिष्ठा का सबब बनी हुई है, देखना दिलचस्प होगा। बड़ी बहस में इतना ही, नमस्कार।